नमस्कार, मैं भाग्यश्री डोंगे वीकेबी न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार का 40 दिनों के इंतजार के बाद कैबिनेट विस्तार हो गया है। भाजपा के कोटे से 9 मंत्रियों ने शपथ ली है, तो पात्राचाल घोटाले में केस के गिरफ्तार शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। वहीं प्रदेश में धनुष बाण की लड़ाई भी तेज हो रही जा रही है। खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत निर्वाचन आयोग में संबंधित दस्तावेज जमा करा दिए हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भगवा ध्वज को मजबूती से पकड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चिन्ना तो भूल जाए, भगवा ध्वज को छूने की हिम्मत करने वाले हाथों को भी तोड़ देना चाहिए। इस बीच कोल्हे हत्याकांड ने NIA के जांच पड़ताल में रोजाना नए नए रहस्यों का खुलासा हो रहा है। बताया जा रहा है कि रहबर नामक संगठना को लाखों रुपए का फंड मिल रहा था। समाज सेवी की आड़ में इस फंड को गलत काम में लगाया जा रहा था। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार का 40 दिनों के इंतजार के बाद कैबिनेट विस्तार हो गया है। भाजपा के कोटे से 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। एकनाथ शिंदे के खेमे में भी इतने ही विधायकों ने शपथ ली है। सबसे पहले राधाकृष्ण विखे पाटिल ने शपथ ली और फिर दूसरे नंबर पर भाजपा के ही सीनियर नेता सुधीर मुनगंटीवार ने शपथ ली। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और फिर विजय कुमार गावित ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। भगत सिंह कोश्यारी ने कुल 18 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई, जिनमें गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटिल, दादा भुसे, संजय राठौर, सुरेश खाड़े, संदीपन भूमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, रविन्द्र चौहान, अब्दुल सत्तार शामिल है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता रहे दीपक केसरकर और अतुल सावे, शंभुराज देसाई और मंगल प्रभात ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि किस नेता को कौन सा विभाग दिया जाएगा, लेकिन चर्चा है कि डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस को होम मिनिस्ट्री मिल सकती है। इसके अलावा भी कई अहम मंत्रालय भाजपा के खाते में जा सकते हैं। शिंदे सरकार के कैबिनेट विस्तार में अहम तथ्य यह है कि किसी भी महिला नेता को मंत्री बनाने का मौका नहीं मिला है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी विपरीय प्रतिक्रियाएं नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि असंतोष तो है। पात्राचौल घोटाले के केस में गिरफ्तार शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अब ईडी की ओर से अदालत में दावा किया गया है कि संजय राउत ने अपराध के जरिए आई रकम का इस्तेमाल मुंबई के अलीबाग के जमीनों को खरीदने के लिए किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष PMLA कोर्ट को बताया कि जमीन बेचने वालों ने भी संजय राउत की ओर से खरीद की पुष्टि की है। ईडी का कहना है कि संजय राउत ने जिन 5 लोगों से जमीन खरीदी की थी, उनमें से 2 के बयान दर्ज किए गए हैं। इन लोगों के नाम उन दस्तावेजों में भी पाए गए थे जिन्हें 31 जुलाई को संजय राउत के घर पर हुई रेड के दौरान बरामद किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि इन लोगों ने मान लिया है कि उन्हें इतनी ही रकम मिली है जितनी बरामद किए गए दस्तावेजों में लिखी गई है। जमीन बेचने वालों ने स्वीकार किया है कि इस डील के लिए उन्हें कैश में रकम मिली थी। उन्हें यह भूमि संजय राउत को बेचने के लिए दबाव डाला गया था। इस अहम बयान के कारण केस में राउत का पलड़ा कमजोर हो सकता है। गौरतलब है कि स्पेशल जज MG देशपांडे ने संजय राउत को 22 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 31 जुलाई को घर पर छापेमारी और करीब 17 घंटे तक पूछताछ के बाद संजय राउत को ईडी ने अरेस्ट कर लिया था। इस गिरफ्तारी के बाद भारी राजनीतिक युगलबंदी देखने को मिली। प्रदेश में धनुष बाण की लड़ाई भी तेज होती जा रही है। खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत निर्वाचन आयोग में संबंधित दस्तावेज जमा करा दिए हैं। वहीं राज्य के पूर्व CM उद्धव ठाकरे ने दस्तावेज जमा करने के लिए आयोग से 4 सप्ताह का समय मांगा है। शिंदे गुट के धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर दावा पेश किया है और चुनाव आयोग के सामने दस्तावेज पेश कर दिए है। पार्टी में बगावत के बाद शिंदे ने जून में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। तब उन्होंने आयोग को पत्र लिखकर धनुष बाण चिन्ह उन्हें आवंटित करने की मांग की थी। इसे लेकर गुट ने लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में मिली मान्यता का हवाला दिया था। उस दौरान चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से विधायी और संगठन विंग्स की तरफ से समर्थन पत्र समेत दस्तावेज 8 अगस्त तक जमा करने के लिए कहा था। चुनाव आयोग के अनुसार इलेक्शन सिबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर्स 1968 के पैराग्राफ 15 की तर्ज पर ये मांगे की गई थी। उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना ने आयोग से समय विस्तार की मांग की है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमने आयोग से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक शिंदे गुट की याचिका पर कोई फैसला नहीं देने का अनुरोध किया है।
चुनाव चिन्ह की लड़ाई के बीच शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यह निर्वाचन आयोग के समक्ष अहम तथ्य साबित होगा। ठाकरे अपने आवास मातोश्री में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदस्यता 10 गुना तक बढ़नी चाहिए, यह नासिक में 1 लाख के करीब जानी चाहिए। शिंदे गुट इस काम में पेशेवर एजेंसियों को लगा रहे हैं, लेकिन मेरे पास केवल आप है। ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भगवा ध्वज को मजबूती से पकड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छिन्ना तो भूल जाए, भगवा ध्वज को छूने की हिम्मत करने वाले हाथों को भी तोड़ देना चाहिए। गौरतलब है कि पार्टी में टूट के बाद निर्वाचन आयोग ने ठाकरे और शिंदे गुट से कहा था कि वह 8 अगस्त तक शिवसेना के चुनाव चिन्ह के लिए अपने अपने समर्थन में दस्तावेज जमा करें। निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के प्रतिद्वंदी गुटों से विधायकों और पार्टी की संगठनात्मक इकाइयों के समर्थन पत्र के साथ साथ लिखित बयान मांगा है। उद्धव गुट ने इस काम के लिए अभी और समय की मांग की है। दोनों प्रतिद्वंदी गुट असली शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में कौन सा गुट वास्तविक शिवसेना है, इसका फैसला निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने के दौरान सदस्यता अहम भूमिका निभाएगी। कोल्या हत्याकांड में NIA के जांच पड़ताल में रोजाना नए नए रहस्यों का खुलासा हो रहा है। ऐसे में रहबर संगठन के कामकाज का भी पर्दाफाश होने लगा है। बताया जा रहा है कि इस संगठन को लाखों रुपए का फंड मिल रहा था। समाज सेवा की आड़ में यह संगठन समाज हित को छोड़कर इस फंड को गलत काम में लगा रहा था। जानकारी के अनुसार युवा पीढ़ी को इकट्ठा कर उन्हें गलत राह पर चलने का ज्ञान भी दिया जा रहा था। कोरोना काल के समय मास्टरमाइंड इरफान शेख द्वारा संचालित रहबर संगठन का कामकाज शुरू हुआ। जरूरतमंदों को बोरे भरकर राशन पहुंचाया गया तो बीमारों को अस्पताल पहुंचाने के लिए इरफान की एम्बुलेंस सेवा शुरू। धीरे धीरे सामाजिक कार्य को देखते हुए युवा पीढ़ी ने संगठन में कदम रखे। चंद दिनों में ही संगठन में दर्जनों कट्टर कार्यकर्ता दाखिल हो चुके थे। धीरे धीरे यह समाज सेवा कार्य के अलावा लोगों के समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश करने लगे। गिरफ्तार मौलवी मुस्तिक अहमद को इरफान शेख अपना रोल मॉडल मानता था। रेबर के गतिविधियों को लेकर मौलवी मुस्तिक की भी अहमद भूमिका दिखाई गई है, जो संस्था को बेहद कम दिनों में नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहता था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक NIA मौलवी मुस्तिक को लेकर कोल्ले हत्याकांड से जुड़े कई तरह के सबूत इकट्ठा किए हैं, जिसे 12 अगस्त को अदालत के समक्ष रखा जाएगा। अदालत में इस संगठन की ओर से रखी गई दलील भी मायने रखेगी। बिहार में नया गठबंधन के आकार लेने और NDA में टूट की आहट साफ सुनाई दे रही है, पर तमाम दलों ने अपने प्रवक्ताओं और नेताओं को भी इस तरह के बयान से परहेज करने की हिदायत दी है। तो भाजपा की तेलंगाना यूनिट के एक नेता का शव हैदराबाद स्थित उनके घर पर मिला है। वहीं आमिर खान को शो में बुलाए जाने की वजह से अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति 14 बुरी तरह से ट्रोल हो रहा है। तो उधर झारखंड कैश कांड में बंगाल CID ताबड़तोब छापेमारी कर रही है। कल झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, नमन विस्कल कोगांडी और राजेश कश्यप के आवासों पर छापेमारी की गई है। इस बीच चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा फ्री में चीजें देने के ऐलान पर रोक लगाने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बिहार में नया गठबंधन के आकार लेने और NDA में टूट की आहट साफ सुनाई दे रही है, पर तमाम दलों ने अपने प्रवक्ताओं और नेताओं को किसी भी तरह के बयान के परहेज करने की हिदायत दी है। राजद ने अपने प्रवक्ताओं का पैनल ही भंग कर दिया है। भाजपा के नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है। आज जयदू राजद और हमने विधायक दलों की बैठक बुलाई है। इन्हीं बैठकों में नए गठबंधन पर अहम फैसला होना है। अगर नया गठबंधन आकार लेगा तो इसका संख्या बल करीब 2/3 होगा। महागठबंधन में अभी राजद 79, कांग्रेस 19 और वादमल 16 सहित 114 विधायक है, जो जयदू व हम की संख्या 49 है। यह सभी मिलकर 163 विधायक होते हैं। जयदू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि RCP सिंह प्रकरण के बाद जो स्थिति बनी है उसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है। उन्होंने भाजपा के प्रति सावलिया लहजे में यह कहकर नाराजगी जताई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जयदू का कौन नेता शामिल होगा यह भाजपा तय करेगी। इसके पहले उन्होंने कहा था कि बिहार में दूसरा चिराग पासवान बनाने का षड्यंत्र चल रहा था। उनका आशय था कि जिस तरह 2020 के 20 चुनाव में चिराग पासवान ने अपने को PM नरेंद्र मोदी का हनुमान बताकर अकेले लड़ने का फैसला किया और इससे जयदू को भारी नुकसान हुआ, उसी तरह RCP को खड़ा कर जयदू को कमजोर करने की साजिश हो रही थी।
भाजपा की तेलंगाना यूनिट के एक नेता का शव हैदराबाद स्थित उनके घर पर मिला। शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा था। पुलिस के मुताबिक सेरलिंगपल्ली निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की राज्य कार्यकारिणी समिति की सदस्य ज्ञानेंद्र प्रसाद अपने पेंट हाउस के एक कमरे में पंखे से लटके पाए गए। उनके निजी सहायक ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। भाजपा नेता के आत्महत्या करने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि एक महीने पहले एक दुर्घटना में ज्ञानेंद्र प्रसाद के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। सोमवार सुबह ज्ञानेंद्र प्रसाद ने अपने निजी सहायक से कहा कि वह उसे परेशान न करे क्योंकि वह सोने जा रहे। अधिकारियों ने बताया कि कुछ समय बाद जब सहायक उन्हें नाश्ता देने कमरे में गया और दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद निजी सहायक ने कमरे की शीशे तोड़े तो प्रसाद को मृत पाया। बीजेपी लीडर के शव को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, उनका पोस्टमार्टम होना है। वहीं पुलिस ने भाजपा नेता परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। इस बीच राज्य के कांग्रेस विधायक राजगोपाल रेड्डी ने सोमवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हाल में कांग्रेस छोड़ने वाले रेड्डी 21 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। अमिताभ बच्चन होस्टेड रियलिटी टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 14 का आगाज हाल में ही हो चुका है। शो के पहले ही एपिसोड में आमिर खान सेना ने कुछ जवानों के साथ बतौर मेहमान शामिल हुए। आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को प्रमोट करते शो में आए थे, जो कि पहले ही काफी विरोध का सामना कर रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आमिर खान को शो पर बुलाने का खामियाजा अमिताभ बच्चन को भी भुगतना पड़ सकता है। वजह यह है कि आमिर खान को शो में बुलाए जाने की वजह से अमिताभ बच्चन का शो बिट्रोल हो रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ढेरों लोगों ने ट्वीट करके अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति को बायकॉट करने की मांग शुरू कर दी है। एक यूजर ने ट्वीट किया कि मुझे पसंद नहीं आया जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के लॉन्चिंग एपिसोड में आमिर खान की तारीफ की और उनका गुणगान किया। इस तरह के शब्द उस आदमी के लिए क्यों बोले गए जो कभी की उसे इस देश में डर लगता है। बता दें कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और दूसरी तरफ आमिर खान की यह फिल्म माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लगातार बायकॉट की जा रही है। झारखंड कैश कांड में बंगाल सीआईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। कल झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, नमन विस्कल कोंगांडी और राजेश कश्यप के आवासों पर छापेमारी की गई थी। मामले में आरोपी विधायकों के खिलाफ सीआईडी अभी अहम सबूतों को लेकर कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 49.37 लाख रुपए के नोटों की गड्डी के साथ 3 कांग्रेस विधायक पकड़े गए थे। ये सभी एक ही गाड़ी पर सवार थे, जिसमें जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खरीज के विधान राजेश कश्यप और कोलीबारा के विधायक नमन विस्कल कोगांडी शामिल थे। ये कार्रवाई पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा के पांचला में की थी। कांग्रेस के तीनों विधायक इस वक्त बंगाल जेल में बंद है। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया था। इसके साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इन विधायकों पर झारखंड की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। मामले में अब सीआईडी की जांच तेज हो गई है। 13 सदस्यीय सीआईडी टीम कल रांची स्थित खिजरी विधायक राजेश कश्यप के घर पहुंची और तलाशी। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी के घर पर भी सीआईडी बंगाल की टीम ने छापा मारा। स्थानीय पुलिस को मदद के लिए लगाया गया। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने पीआईएल के खिलाफ याचिका दायर की है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा फ्री में चीजें देने के ऐलान पर रोक लगाने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस याचिका का विरोध किया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक दल लोगों को मुफ्त में चीजें देने का ऐलान करते हैं, लिहाजा इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव के दौरान मुफ्त में चीजें देने का वादा असमान समाज की जरूरत है। बता दें कि अश्विनी उपाध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल को जो मुफ्त की घोषणाएं करते हैं वह गलत है। आम आदमी पार्टी ने अश्विनी उपाध्यक्ष की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। आपकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि यह राजनीतिक दलों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। याद रहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मुफ्त की घोषणाएं के चलते देश की अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान पर चिंता जाहिर की थी। इस मामले का समाधान करने के लिए कमेटी का गठन करने के संकेत दिए गए थे। अगली सुनवाई इसी महीने 11 अगस्त को होगी।
चीनी सैन्य अभ्यासक के बाद ताइवान की सेना ने भी लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल शुरू कर दी है। किसी भी संभावित हमले से द्वीप की रक्षा को लेकर यह ड्रिल की जा रही है। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर पर भी अमेरिकी एजेंसी FBI ने छापा मारा है। वही एक छोटी सी बच्ची की मम्मी आज भी चर्चा में है। उसकी मृत्यु लगभग 100 साल पहले हुई थी। आज भी उसका शरीर एक कांच के ताबूत में रखा हुआ है। तो उधर अमेरिकी के बोस्टन शहर में भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ का जश्न खास तरीके से मनाया जाएगा। आजादी के इस जश्न में 32 देश भाग लेंगे। इस बीच भीषण गर्मी के मद्देनजर फ्रांस के करीब 27 विभागों को ऑरेंज अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। कई गांवों में पीने के पानी का संकट है, नदी नाले सूख चुके हैं। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीनी सैन्य अभ्यास के बाद ताइवान की सेना ने भी लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल शुरू कर दी है। किसी भी संभावित हमले से द्वीपीय रक्षा को लेकर यह ड्रिल की जा रही है। ताइवान की 8वीं सेना कोर के प्रवक्ता लू वाई जे ने पुष्टि की है कि टारगेट फ्लोअर्स और तोपखाने की गोलीबारी के साथ दक्षिणी काउंटी पिंगटुंग में अभ्यास शुरू हुआ। यह ड्रिल गुरुवार तक जारी रहेगी। सेना ने कहा कि इसमें सैकड़ों सैनिकों की तैनाती होगी और करीब 40 हॉविट्जर को शामिल किया जाएगा। हालांकि लू ने इस बात से इनकार किया है कि यह ड्रिल चीन के सैन्य अभ्यास के जवाब में की जा रही है। उनका कहना है कि यह ड्रिल पहले से ही निर्धारित थी। इधर चीन की सेना ने कहा कि ताइवान के आसपास उसका बड़ा सैन्य अभ्यास जारी है, जबकि उनसे पहले घोषणा की थी रविवार को लाइव फायर अभ्यास समाप्त हो जाएगा। चीनी सेना के एस्ट्राइन थिएटर कमांड ने कहा कि वह पनडुब्बी रोधी हमलों और समुद्री छापेमारी का अभ्यास करेगा। इससे पहले चीनी सेना के ताइवान की समुद्री सीमा ने निकट जा लाइव फायर अभ्यास किया था। इसके बारे में कहा था कि वह ऐसा अमेरिकी हाउस स्पीकर नैसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के विरोध में कर रहा है। दूसरी ओर ताइवान ने आरोप लगाया है कि चीन इस ड्रिल के माध्यम से द्वीप पर हमला करने का अभ्यास कर रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर पर अमेरिकी एजेंसी FBI ने छापा मारा है। ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित लग्जरी घर मार ए लोगो रिसोर्ट पर सोमवार को FBI ने सर्च शुरू की है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि FBI ने रिसोर्ट में छापा मारा और तिजोरी तोड़ी है। यह हमारे देश के लिए काला वक्त है। अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के साथ ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। जांच एजेंसियों के साथ सहयोग के बावजूद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। यह न्यायतंत्र का हथियार के तौर पर गलत इस्तेमाल करने जैसा है। यह कट्टर लेफ्ट डेमोक्रेट्स का हमला है। वे नहीं चाहते कि मैं 2024 का चुनाव लड़ूं। ट्रंप पर आरोप है कि व्हाइट हाउस छोड़ते समय ट्रंप कई आधिकारिक दस्तावेज अपने साथ ले आए थे। इनमें से अधिकतर दस्तावेज सरकारी थे। FBI के कई एजेंट्स ने ट्रंप के घर को घेर लिया है और उनके घर की तलाशी ली जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह रेड बिना किसी नोटिस की गई है। जिस समय FBI एजेंट ने मार ए लिगो पर छापा मारा, उस समय खुद ट्रंप वहां नहीं थे। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर कहा है कि वो एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उनकी रिपब्लिकन पार्टी में उनको चैलेंज करने वाला उनके कतार कोई दूसरा नेता भी नहीं है। ट्रंप पर यह भी आरोप है कि वे राष्ट्रपति पद पर रहते हुए आधिकारिक दस्तावेजों को फाड़कर फ्लश कर देते थे। दुनिया में मम्मी लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। मिस्र हो या रोम, लोग हजारों की संख्या में इन मम्मियों को देखने पहुंचते। एक छोटी सी बच्ची की मम्मी आज भी चर्चा में है। उसकी मृत्यु लगभग 100 साल पहले हुई थी। आज भी उसका शरीर एक कांच के ताबूत में रखा हुआ है। लोग हजारों की संख्या में इसे देखने पहुंचते। इस मम्मी को दुनिया का सबसे खूबसूरत मम्मी कहा गया है। बच्ची का नाम रोसालिया लोम्बार्डो। इस बच्ची की मृत्यु 2 वर्ष की आयु में निमोनिया के चलते हो गई थी। कहते हैं कि रोसालिया लोम्बार्डो की दूसरे जन्मदिन से ठीक पहले 2 दिसंबर 1920 को बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। उस वक्त यानी कि 1918 में इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण लोगों की मौत हो रही थी। कहा जाता है कि महामारी 1918 में भारी उत्पात मचाया था। रिपोर्ट के मुताबिक रोसालिया के शव को कांच के ताबूत में रखा गया था। कई लोगों का दावा है कि रोसालिया प्रेत बाधित थी। उसके मम्मी को ऐसी जगह रखा गया जहां माना जाता है कि जीवित लोग मृतकों से मिलते हैं। यहां लगभग 8000 लाशों और लगभग 1284 मम्मियों का घर है। आज भी लोग भूत प्रेत के किस्सों पर विश्वास करते हैं। रोसालिया को कांच के ताबूत में पड़ा देख लोग एक बार इस भूत प्रेत की थ्योरी पर शायद विश्वास कर लेंगे। हालांकि कई ऐसे भी हैं जिन्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है।
अमेरिका के बोस्टन शहर में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न खास तरीके से मनाया जाएगा। आज़ादी के इस जश्न में 32 देश भाग लेंगे। वहीं समारोह को और भी खास बनाने के लिए बोस्टन शहर पर एक विमान 220 फीट लंबा अमेरिका भारत ध्वज लहराया जाएगा। उत्सव 15 अगस्त को बोस्टन में इंडिया स्ट्रीट पर और इससे एक दिन पहले 14 अगस्त को रोड आइलैंड में स्टेट हाउस में मनाया जाएगा। इस अवसर पर परेड में ग्रैंड मार्शल के तौर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आरपी सिंह को आमंत्रित किया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यू इंग्लैंड के अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने कहा कि इस साल भारत की आज़ादी के जश्न समारोह में कई चीज़ें पहली बार होने जा रही है। बता दें कि FIA न्यू इंग्लैंड आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले भारत की आज़ादी के 75 वर्षों का जश्न मना रहा है। FIA न्यू इंग्लैंड ने कहा कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार 32 देशों के लोग भारत दिवस परेड में शामिल होने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर पहले से रिकॉर्ड किया गया एक संदेश भेजा है। गोयल ने अपने संदेश में कहा है कि भारत अमेरिका संबंध में लंबा सफर तय किया है। आज हम स्वाभाविक साझेदार हैं, हम दोस्त हैं और हम बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। हमारी साझेदारी राजनीतिक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण आयामों वाली है। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से जूझ रही है। इसका असर हर ओर दिख रहा है। रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है तो वही भीषण ठंडे इलाके भी प्रचंड गर्मी से जूझ रहे। यूरोपीय देशों में लगातार बढ़ते तापमान ने अलग समस्या पैदा कर दी है। फ्रांस इस साल चौथे हीट वेव का सामना कर रहा है। भीषण गर्मी के मद्देनजर फ्रांस के करीब 27 विभागों को ऑरेंज अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। कई गाँवों में पीने के पानी का संकट है। नदी नाले सूख चुके हैं। वे सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे पानी के ट्रकों पर निर्भर है। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए एक संकट का दल गठन किया है। फ्रांस को अपनी अधिकांश ऊर्जा करीब 70% ऊर्जा परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होती है, लेकिन अत्यधिक गर्मी की वजह से यहाँ परमाणु रिएक्टरों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। भीषण गर्मी की वजह से यहाँ की नदियाँ इतनी गर्म हो चुकी है कि पानी से पाइप फट जाने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में फ्रांस अपने 57 रिएक्टरों में से मात्र 26 को चला पा रहा है। इस तीव्र जल स्थिति ने राज्य द्वारा संचालित परमाणु ऑपरेटर FDF को परमाणु ऊर्जा के लिए पानी की आपूर्ति में कटौती करने के लिए मजबूर कर दिया है। पिछले हफ्ते ADF ने गौरान नदी पर उच्च तापमान के कारण दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के एक संयंत्र में अपने बिजली उत्पादन में कटौती करनी पड़ी। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए VKB News। नमस्कार।